तो मैं बताना चाहूंगा कि गद्दे मैंने डाल दिए सुखाने के लिए। तो दोस्तों, नई सूरज के साथ नया दिन का सूचना, और उसी के साथ सूचना हुआ मेरा नया व्लॉग का। तो आप सभी को मेरा व्लॉगिंग चैनल ताना भाई के व्लॉग्स पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हर रोज सोचता हूँ क्यों ना डेली व्लॉग्स बनाया जाए, लेकिन लेजीनेस ही ऐसा है कि मेरा करने का मन ही नहीं करता। तो इसी की वजह से डेली व्लॉग्स तो नहीं शूट कर पाता, मेरा जो एक्सेसरीज कॉर्नर जो चैनल है उसका वीडियोस भी मैं नहीं शूट कर पाता। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगा हूँ। लेकिन इस डिप्रेशन से मुक्ति के लिए मैंने एक वे सोचा है, क्यों ना घर को थोड़ा सा साफ सफाई कर लिया जाए। बालों को कर दो थोड़ा सा इग्नोर, क्योंकि बालों पे तेल मैंने डाला था पिछले दिन, तो इसी की वजह से बाल थोड़े चिपकू चिपकू सा लग सकते हैं। तो इसी को ज़रा इग्नोर मारना, और उसी के साथ मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। घर की हालत देखो भाई, पूरा घर एकदम कबाड़ा होके, यू नो लाइक कबाड़ा हुआ पड़ा है। चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, जूते और सारे कपड़े यहाँ पे बिखरे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। पेपर्स सारा कुछ बिखरा पड़ा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे घर पे कबाड़ा ही कबाड़ा, यानी कि यहाँ पे पूरे जो कपड़े हैं, जो पेपर्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बिखरा पड़ा है। तो मुझे लगता है इसको साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे बिखरे घर में अगर रहेंगे ज़्यादा समय तक तो मन भी बिखर जाएगा, डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा हावी हो सकता है। तो इसी की वजह से घर को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि जितना हो सके अपने घर को साफ रखें और ख़ुद से साफ़ करें। इससे क्या होगा, आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा और मन भी साफ हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला व्लॉग। तो दोस्तों, घर की साफ सफाई शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, चीज़ें नहीं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो इसी के लिए मैं ऊपर वाले कमरे में आ चुका हूँ। ये मेरा कमरा नहीं है, मेरा भैया का कमरा है, और यहाँ पे एक चीज़ हमने खरीदी है, तो उसी चीज़ को आपको दिखाना है। तो चलिए देख लेते हैं इसके पहले। तो दोस्तों देखो, ये है एक एक्वेरियम, और यहाँ पे बहुत सारे मछलियाँ आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मछलियों का जो तादाद है वो बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे मछलियाँ यहाँ पे मर चुकी हैं। और इसकी लुक वाइज अभी की लुक की अगर बात की जाए तो वो उतना ख़ास नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पौधे हैं वो भी गिरे हुए हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ था, मैं आपको दिखा दूँ, ये एक शो पीस इसके अंदर था, ये आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सा एक शो पीस इसके अंदर था। लेकिन इसकी सुंदरता पे मत जाइए, क्योंकि इसके अंदर मछलियाँ घुस कर मर रही थी, तो इसी की वजह से इसको बाहर निकाल दिया गया। ये सोचा जा रहा है कि इसके अंदर थोड़ा सा मोम डालकर फिर से इसको इस टैंक के अंदर डाल दिया जाएगा। यहाँ पे जो भी मछलियाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सभी के नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसे थे जिसका नाम मुझे पता था, जैसे कि एंजल हो गई, यहाँ पे एक शार्क फिश हो गया, यहाँ पे लेटी हुई है, इसको मरा मत समझना, ये ऐसे ही लेटी रहती है, लेकिन बाद में जब खाने का समय होता है तब ये उठकर ऊपर चली आती है। और इस यहाँ पर एक देख सकते हो एक क्रोकोडाइल फिश है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल फिश ही कहा जाता है शायद। और बहुत सारे ऐसे थे, जैसे गोल्ड फिश थे, गोल्ड फिश के बच्चे थे, और एंजल फिश थे, लेकिन वो सारे मर चुके हैं। और दोस्तों इसी के साथ मेरा मन कर रहा है क्यों ना अभी एक्सेसरीज कॉर्नर का जो वीडियो है उसको शूट कर लिया जाए। और इसी के लिए मुझे, मेरा कमरा है इसी के बगल वाले, इसी कमरे के बगल में मेरा ही कमरा है, और वहाँ पे जाके मुझे उस वीडियो का शूट करना पड़ेगा। उस वीडियो को शूट कर लेते हैं, यहाँ से तो नहीं शूट कर सकता, लेकिन वहाँ कैसे जाया जाता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सरा यह है मेरा वो कमरा जहाँ पे मैं करता हूँ अपना शूटिंग का काम। मैंने पहले भी दिखाया है, और यहाँ पे मैं ट्राइपॉड रख के अपना शूटिंग करता हूँ। मैं थोड़ा सा लाइट जला लेता हूँ ताकि आपको दिखने में थोड़ी सी मददगार हो।
यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें ऐसे पड़े हुए हैं जो जो कि अननेसेसरी है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ करके मैनेज करके यहाँ पे अपना वीडियो शूट कर ही लेता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ही दिनों में मैं एक GoPro खरीदने वाला हूँ। GoPro नहीं है लेकिन एक्शन कैम खरीदने वाला हूँ। GoPro का अभी बजट नहीं है और AZ-4000 सीरीज़ का वाईफाई जो एक्शन कैमरा है उसको ख़रीदने का मन है। कोशिश करूँगा उसको ही ख़रीदने का और उसके बाद मोटो व्लॉगिंग करेंगे बहुत तगड़ी तरीके से। वैसे तो कोरोना बहुत भयंकर तरीके से फैल रहे हैं चारों तरफ, लेकिन उसी के साथ मैं थोड़े से प्रिकॉशंस लेके मोटो व्लॉगिंग करने की कोशिश करूँगा। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना और कोशिश करूँगा जहाँ पे थोड़ा सा फ्री स्पेस मिले, जहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह मिले और आपके आपको दिखाने के लिए बहुत अच्छा हो, ऐसी जगह पे मैं करना चाहूँगा मेरा मोटो व्लॉगिंग। और आप सभी को दिखाऊँगा मैं कुछ गांव का जो दृश्य होता है उन सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और आपको शायद बहुत अच्छा भी लगे। और दोस्तों इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि अभी समय हो चुका है 2:00 PM और अभी मैं जाने वाला हूँ लंच के लिए। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा घर अभी कैसा है। वैसे ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा लेकिन पहले से ज़्यादा साफ़ सुथरा अभी लग रहा है। और गद्दा अभी ऊपर है तो इसी के लिए यहाँ पे स्काई कलर का आप बेड देख सकते हो। यहाँ पे मैं अभी कुछ देर बाद मैं लाने वाला हूँ मेरा गद्दा और उसके बाद ये वाला बेड और भी खूबसूरत लगने लगेगा और उसके साथ इसके ऊपर सोने का मज़ा भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो दोस्तों लंच करने के बाद मुझे आ चुकी थी तगड़ी वाली नींद और नींद की वजह से मैं पूरी तरीके से सो गया था और इसके लिए बात का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रात हो चुकी है, रात नहीं शाम हो चुकी है, अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और अभी मेरा ख्याल है मुझे जाके अपना शाम का नाश्ता ख़त्म करना है। तो आज का वीडियो इतना ही रखूँगा, कल फिर से आऊँगा एक नई वीडियो को लेकर। मैं प्रॉमिस करता हूँ कल फिर से एक नई टॉपिक के एक नई टॉपिक पे एक नया वीडियो ज़रूर शूट कर लूँगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, कल फिर से आते एक नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अरे अरे भाई जा कहाँ रहे हो, रुक जाओ ज़रा, ज़रा सब्र तो करो भाई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, अगर बुरा लगे तो डिसलाइक ज़रूर करना, कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस, मज़ेदार व्लॉग्स आपके लिए डेली आया करेगा मेरा चैनल ताना भाई के व्लॉग्स पर। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए बाय।